आज लोंगिया मोहल्ला स्थित मदीना मस्जिद मदरसे से हजरत कासिम अलैहि सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में मेहंदी की रस्म अदा की जाती है और वो मेहंदी का जुलूस यहाँ से मदरसे से निकलता हुआ छोटी भाई के चौक से होता हुआ कांच फैक्ट्री दिल्ली गेट दरगाह बाज़ार होता हुआ जहाँ दरगाह शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की बारगाह में मकबरे के अंदर ताजे शरीफ इमाम हुसैन की याद में जो रखे हैं वहीं पर जाकर ये मेहंदी पेश की जाती है। और तमाम पूरे अजमेर से सभी जगह से अकीदतमंद जो इमाम से मोहब्बत रखते हैं सभी लोग हजरत कासिम अलैहि सलाम की इस मेहंदी की रस्म को अदा करते हैं। आरिफ हुसैन। हम क्यों मनाते हैं मेहंदी की रस्म? आज हजरत कासिम अलैहि सलाम की याद में उनकी मेहंदी की रस्म चढ़ाई जाती है। हज़रत कासिम अलैहि सलाम की जो शादी का आज था तो आज मेहंदी के दिन था, आज उनकी याद में मेहंदी चढ़ाई जाती है। लोंगिया के अंदर जुलूस मदीना मस्जिद से लेके छोटी भाई से चौक का होते हुए दरगाह बाज़ार होते हुए दरगाह शरीफ मकबरे में बड़े ताज शरीफ में इमाम कासिम अलैहि सलाम की मेहंदी चढ़ाई जाती है, पेश की जाती है। साहिल हुसैन। इमाम हुसैन की सवारी 8 तारीख को में बुलंद दरवाजे से छतरी गेट तक जाती है और 9 तारीख को फिर छतरी गेट से इमामबाड़ा और इमामबाड़े 10 तारीख को इमामबाड़े से फिर 16 खंबे सैलाब पर सैलाब किया 10 तारीख को झालरे में सैलाब किया जाता है सुबह फजर के टाइम। ये सन 2006 से निकाली जाती है और लोंगिया मस्जिद के चौक से होते हुए कच्चे रास्ते होते हुए दिल्ली गेट होते हुए दरगाह मेन गेट से फुल गली की तरफ ले जाई जाती है और लगभग इस बात को 18 साल हो गए। ये हज़रत कासिम अलैहि सलाम जो हज़रत इमाम हुसैन के साहबजादे हज़रत इमाम हुसैन के भतीजे हैं उनकी याद में मनाई जाती है मुहर्रम की 7 तारीख जिस दिन उनकी मेहंदी चढ़ी थी और उसी के अगले दिन उनको शहीद कर दिया गया था जालिमों के झुंड के वजह से। लोंगिया मोहल्ला मदीना मस्जिद जी ये 18 सालों से निकाली जा रही है। मेरा नाम मेहताब खान है।